नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आपका आज की वीडियो में स्वागत है, जहां पर हम बात करेंगे अर्जुन 605 DI के CRDI वेरिएंट के बारे में। इस ट्रैक्टर का बहुत से किसान भाइयों को काफ़ी लंबे टाइम से बेसब्री से इंतज़ार था और अब फाइनली ये ट्रैक्टर मार्केट में आ चुका है। तो अगर सबसे पहले बात करें इसके लुक्स की, तो इसके लुक्स में आपको पहले वाले वेरिएंट के मुकाबले कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा। और अगर CRDI के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसके ऊपर हमने पहले डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आप उसको चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके बाद हम बात करें इसके इंजन और CRDI सिस्टम की, तो इसमें आपको 3533 cc का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि आपको 60 हॉर्स पावर के साथ मिलेगा और इसमें आपको 221 Nm का टॉर्क मिलता है। और इसका जो बोनेट है वो 3 पार्ट में ओपन होता है, इसका ऊपर वाला हिस्सा अलग से ओपन होगा और बाकी 2 साइड के जो पार्ट हैं वो आपको अलग से ओपन करने पड़ेंगे। इसके बाद बात करें इसके CRDI सिस्टम की, तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि जो इसका CRDI सिस्टम है वो आपको इसमें कुछ इस तरह से मिलता है। यहां पर आपको इसकी एक कॉमन रेल मिल जाएगी। इसके बाद अगर बात करें हम इसके फ्यूल पंप की, तो इसमें इसका जो फ्यूल पंप है वो आपको कुछ इस तरह का मिलने वाला है। इसके फ्यूल पंप में आपको 2 नोजल मिलती हैं, वहीं पर इसकी कॉमन रेल में आपको टोटल 6 नोजल मिल जाती हैं। और इस ट्रैक्टर में इसके साथ साथ एक और चेंज किया गया है, वो ये कि जो इसके साइलेंसर का मफलर था वो बोनेट के अंदर दे दिया गया है, जिससे कि ट्रैक्टर देखने में और भी स्टाइलिश लगता है। जो इसका पहले वाला वेरिएंट था उसका जो मफलर था वो बाहर की तरफ था, लेकिन अब इसके मफलर को इसके बोनेट के अंदर कर दिया गया है। वहीं पर बात करें इसके एयर फिल्टर की, तो इसमें आपको ड्राई टाइप एयर फिल्टर चोकिंग सेंसर के साथ मिल जाता है। चोकिंग सेंसर का फ़ायदा ये होता है कि इसे इसका फिल्टर चोक होने पर इसके क्लस्टर में चोकिंग इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। और CRDI का फ़ायदा ये होता है कि CRDI में सिंपल वाले वेरिएंट से, जो इसमें इनलाइन पंप वाला वेरिएंट आपको मिलता है, उसके मुकाबले आपको इसमें पावर और माइलेज दोनों पहले वाले वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा मिलती हैं। और इसी के साथ आपको इसमें एक और ख़ास फीचर मिलता है, वो ये इस ट्रैक्टर में आपको 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, पहला डीजल सेवर, दूसरा नॉर्मल और तीसरा पावर। जो डीजल सेवर मोड है उसको आप अगर इस ट्रैक्टर को हाईवे पर यूज़ करते हो, जैसे कि आप अपनी कोई फसल वगैरह मंडी में लेकर जाते हो या फिर आप गन्ना वगैरह मिल में लेकर जाते हो, उस टाइम पर आप इसके डीजल सेवर मोड को ऑन कर सकते हो। इसमें आपको पावर कम मिलेगी लेकिन जो माइलेज है वो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। उसके बाद आता है नॉर्मल मोड। अगर आप इस ट्रैक्टर को नॉर्मल लोड में यूज़ करते हो खेत में, मान लो कि आप किसी लाइट इंप्लीमेंट में अगर ट्रैक्टर को यूज़ करते हो, तो उस टाइम पर आप इसके नॉर्मल मोड को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है इसका पावर मोड। पावर मोड को आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपके ट्रैक्टर के पीछे कोई हैवी इंप्लीमेंट लगा हो और आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत हो, जैसे कि आपके ट्रैक्टर के पीछे अगर कोई आप सुपर सीडर वगैरह यूज़ करते हो, उस टाइम पर आप इसके पावर मोड को यूज़ कर सकते हो। या फिर आप खेत में से किसी भरी हुई ट्रॉली को बाहर निकाल रहे हो, उस टाइम पर भी आप इसके पावर मोड को यूज़ कर सकते हो। पावर मोड में आपको इसमें जो पावर है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जो माइलेज है वो आपको थोड़ी कम मिल सकती है। इसके बाद इसके क्लस्टर को देखें, तो इसमें आपको जो क्लस्टर है वो कुछ इस तरह का मिलेगा। इसके क्लस्टर में आपको जो RPM इन्फॉर्मेशन है वो ही एनालॉग टाइप में मिलेगी, बाकी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इसमें डिजिटल टाइप में मिल जाती है। और प्लेटफॉर्म की बात करें, तो इसमें आपको वही जो इसके पुराने वाले वेरिएंट में प्लेटफॉर्म आता था, उस तरह के आपको इसमें कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इसके बाद अगर बात करें हम इसकी रियर साइड की, तो इसमें आपको सिंगल सेंसिंग पॉइंट 2200 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ मिल जाती है। इसके बाद बात करें इसकी PTO की, तो इसमें आपको 6 अप्लाइंस में 540 स्टैंडर्ड के साथ रिवर्स PTO का ऑप्शन 53.9 HP की PTO पावर के साथ मिल जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें हम इसके रियर एक्सल की, तो इसमें आपको जिसका रियर एक्सल है वो डबल रिडक्शन या फिर आप इसको बुल गियर रिडक्शन एक्सल भी बोल सकते हो। इसका फ़ायदा यह होता है कि इससे इसका जो क्राउन पिनियन है वो सेफ रहता है, वहीं पर ट्रैक्टर की किसी भी इंप्लीमेंट या फिर ट्रॉली की खींचने की जो ताकत होती है वो भी इसके कुछ परसेंट तक बढ़ जाती है। और टायर साइज़ को देखें, तो इसमें आपको फ्रंट टायर 7/16 और रियर टायर 16/28 के मिल जाएंगे। और अब बात करें अगर इस ट्रैक्टर की कीमत की, तो ये ट्रैक्टर आपको 2-व्हील ड्राइव में 8,50,000 में मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें।